सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यूली अपडेटेड वीडियोस। 6 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्होंने फ्री में किए ये रोल्स। अमिताभ बच्चन, ब्लैक। फिल्म ब्लैक अमिताभ बच्चन के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्मों में से एक है, पर बॉलीवुड के बिग बी ने इस फिल्म के लिए कोई भी फीस नहीं ली। रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन को फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का काम बेहद पसंद आता है और बिग बी हमेशा से ही संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहते थे, और जब उन्हें यह मौका मिला तब उन्होंने बिना वक्त गवाए फिल्म के लिए हाँ कर दिया। दीपिका पादुकोण, ओम शांति ओम। दीपिका पादुकोण आज के समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है, पर दीपिका ने अपनी डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम के लिए कोई भी फीस नहीं लिया था। फिल्म एक सक्सेसफुल फिल्म रही थी और साथ ही ऑडियंस को दीपिका का परफॉर्मेंस भी काफ़ी पसंद आया था। फरहान अख्तर एंड सोनम कपूर, भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग एक रियल लाइफ स्टोरी फिल्म है जो कि इंडिया के रनर मिल्खा सिंह के लाइफ पे बनी फिल्म है। फिल्म के लिए फरहान अख्तर ने काफ़ी मेहनत करी थी और सोनम और फरहान दोनों ने ही मिलकर फिल्म के लिए सिर्फ 11 रुपए ही चार्ज किए थे। शाहिद कपूर, हैदर। फिल्म हैदर को डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में काफ़ी एक्शन सीन होने के कारण फिल्म काफ़ी हाई बजट फिल्म थी, पर शाहिद को फिल्म की स्टोरी पसंद होने के कारण शाहिद ने फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट ही करने का फैसला किया। रिलीज़ के बाद फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई। कैटरीना कैफ, चिकनी चमेली। वैसे तो जब भी फिल्मों में कोई आइटम सॉन्ग की बात होती है एक्ट्रेसेस सॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज करती है, पर जब कैटरीना को इस सॉन्ग के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने बिना किसी फीस के ही हाँ कह दिया। कैटरीना के इस दरिया दिली से खुश होकर फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने उन्हें एक कार गिफ्ट करी। आमिर खान, पीके। पीके बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। फिल्म राजकुमार हिरानी और अभिजीत जोशी ने लिखा है। आमिर खान ने इस फिल्म के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं किया था।